इमोशंस ऑलवेज आउट लास्ट द मेमोरीज विच क्रिएटेड देम. हमारे इमोशंस हमारे पास्ट इवेंट की मेमोरी से कनेक्टेड हैं और हमारे पास्ट इवेंट्स तब तक मेमोरी में आते रहेंगे तब तक हमारी प्रेजेंट लाइफ में पॉपअप होते रहेंगे जब तक हम उन्हें अटेंड करके हील ना कर दें या जब तक हम उन्हें लेट गो ना कर दें या जब तक हम उन्हें फॉरगिव और फॉरगेट ना कर दें. सो ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम अपने पुराने पास्ट इवेंट के इमोशंस को अपनी प्रेजेंट लाइफ में आगे प्रोजेक्ट करते रहते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा बिहेवियर है हमारे फियर्स हैं हमारे डे टू डे लाइफ की एंजाइटीज हैं वो सारी रूट कॉज उन सब का रूट कॉज पीछे किसी पास्ट इवेंट से कनेक्टेड हमेशा होता है. अदरवाइज अननेसेसरी फियर्स और एंजाइटीज हमारी लाइफ में नहीं होती कभी भी. सो अंडरस्टैंड दैट व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हील द इमोशंस फ्रॉम द पास्ट और द इवेंट्स फ्रॉम द पास्ट और टू हील ऑल द ओल्डर इवेंट जो जितना स्टॉक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है इतने सालों का उसको एक्सेप्ट करना है उसको हील करना है उसको रिलीज करना है उसको लेट गो करना है ताकि वो पास्ट इवेंट वहीं नलीफाई हो जाए उसकी मेमोरीज भी वहीं नलीफो हो जाएंगी हैंस द इमोशंस कनेक्टेड टू देम एंड हैंस वी विल बी फीलिंग बेटर इन आवर प्रेजेंट लाइफ. आई होप इट हेल्प्स यू गाइज टू अंडरस्टैंड वाई हीलिंग एंड वाई सेल्फ लव एंड वाई पास्ट हीलिंग इज सो इम्पॉर्टेंट.